ख्वाब इंसानी ज़िंदगी का वो हिस्सा है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने के बाद से ही हमारे साथ मुंसलिक रहा। ख्वाब की हकीकत क्या है और ये क्यों आते हैं, ये हम इंसानों के लिए सदियों से एक पुरइसरार सवाल बना रहा है। ख्वाब के मुतालिक ज़माने कदीम से लेकर अब तक सैकड़ों नज़रियात पेश किए गए, लेकिन अब तक हम किसी हतमी नतीजे तक ना पहुंच सके कि ख्वाब की ये दुनिया सिर्फ झूठ है या हकीकत, और ना ही ख्वाब की सही तशरीह आज तक मुमकिन हो सकी। एक नज़रिए के मुताबिक नींद की हालत में रूह इंसान का साथ छोड़ देती है, लेकिन दिमाग के साथ इसका ताल्लुक कायम रहता है, और रूह जहां जाती है जो करती है उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन दिमाग को मिलती रहती है जो इंसान को ख्वाब की सूरत में दिखाई देता है। तारीख इंसानी में ख्वाब के मुताल्लिक सबसे पहले अहल यूनान ने अपने नज़रियात पेश किए। होमर अपनी मशहूर रजमिया इलियाद में लिखता है कि ख्वाब का भेजने वाला ज्यूस देवता है। कदीम यूनानी ख्वाब को अल्हाम का दर्जा दिया करते थे और उनका मानना था कि देवता मरीज के ख्वाब में खुद ही आते हैं और उसको इलाज का तरीका बताते हैं। यूनान में ख्वाब के ताबीर बताने वाले पेशावर माहरीन भी हुआ करते थे। सकरात का ये अकीदा था कि नेक लोगों के ख्वाब खालिस और अलहामी होते हैं जिनमें कोई पैगाम पोशीदा होता है। कदीम बाबुल में भी ख्वाब को बड़ी अहमियत हासिल थी। बाबली लोगों ने ख्वाब की ताबीर के लिए बाकायदा किताबें लिखी थीं। कहते हैं कि उनमें एक शख्स बाबुल के मंदिर में रोज़ सोया करता था और मुखियर से दुआ करता था। मुखियर उनके मुताबिक ख्वाब का देवता था जो सोने के बाद ख्वाब में आकर उनसे हमकलाम होता था। अगर मिस्र की बात की जाए तो कदीम मिस्री लोग ख्वाब को एक अहम हैसियत देते थे। मिस्र के फिरौन वक्त ख्वाब के जरिया देवताओं से मदद तलब किया करते थे। इसके अलावा जादू के जरिया भी ख्वाब देखने का तरीका मिस्रियों में मशहूर था। कदीम मिस्रियों ने अपने महलों में ऐसे कमरे भी बनाए थे जिन्हें वो ड्रीम रूम कहा करते थे, जहां जाकर वो सोते और ख्वाब में अपने देवताओं से मशवरा लिया करते। वहीं हिंदू मज़हब की किताब उपनिषद के मुताबिक नींद में रूह जिस्म को छोड़ देती है और अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहे वहां जाती है। इसी तरह ऋग्वेद और अथर्ववेद में ख्वाब देखने के मुख्तलिफ ताबीर और माने बयान हुए हैं। अगर यहूदी मज़हब की बात करें तो उनकी किताबों में बेशुमार ख्वाब के तस्करे मिलते हैं, जिनमें याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब, फिरौन का ख्वाब और दानियाल नबी का ख्वाब शामिल है। इसी तरह तिलमूत के मुताबिक बैतुल मुकद्दस बनाने से कबल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी खुदा ने ख्वाब में कलाम किया था। कहते हैं कि बनी इसराइल के 24 आदमी हमेशा बैतुल मुकद्दस में मौजूद रहते थे जो माहरीन ख्वाब थे। यहूदी फ़िरके की एक शाख जिसे कबालिस्ट कहा जाता है और जो कबाला जादू के माहरीन होते हैं, उनके किताबों में ख्वाब को एक तस्वीर के ज़रिया जाहिर किया जाता है जिसमें गोल दायरा के अंदर तह बतह 14 दायरे होते हैं, जिनमें सबसे अंदरूनी दायरे से सबसे बिरूनी दायरे तक एक खुला रास्ता बना होता है, यानी इंसान और खुदा के दरमियान एक बर्रा रास्त रास्ता है जो ख्वाब के ज़रिया खुलता है। न्यूलिथिक दौर के आगाज़ में ब्राज़ील के मकामी बाशिंदे याहे नाम के एक मशरूब को पीकर खुद पर एक ख्वाब की सी कैफियत तारी किया करते थे ताकि वो ल्यूसिड ख्वाब देख सकें और नींद के ज़रिया एक जागती हुई हालत में खुदा से बात कर सकें। इसी तरह अफ्रीका के कुछ कबाइल एक ख़ास किस्म के मशरूम खाया करते हैं जिसे खाकर वो ख्वाब की कैफियत में चले जाते हैं। 18वीं सदी में ख्वाब के मुताल्लिक सबसे ज़्यादा रिसर्च करने वाले माहिर नफ्सियात सिगमंड फ्राइड ने अपनी किताब द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में बताया है कि हमारी ख्वाब दरअसल हमारे अधूरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आते हैं, यानी हमारे वो ख्वाहिशात जो असली ज़िंदगी में पूरी नहीं हो सकती वो हमारे ख्वाब पूरे करते हैं जो हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस माइंड का कारनामा है। लेकिन फ्राइड की ये तहकीक नामुकम्मल साबित हुई क्योंकि हमें तमाम ख्वाब सिर्फ हमारे ख्वाहिशात के मुतालिक ही नहीं आते।
लिहाजा फ्राइड के हम असर कार्ल जंग ने अपनी थ्योरी में ये बताया कि दिमाग का एक तीसरा हिस्सा भी होता है जिसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। इस हिस्से में हमारे बचपन की यादें, जाती यादें और हमारे आबाओ अजदाद की मजमूई यादें दफन होती हैं और इसलिए नींद की हालत में हमारा दिमाग अनकॉन्शियस माइंड के उन यादों को दिखाता है। अगर दीन इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद के अंदर कुल 8 ख्वाब बयान हुए हैं जिनमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब को नहायत ही तफसील से बयान किया गया है। ख्वाब को मोमिन के लिए एक बशारत करार दिया गया है, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नबूवत ख़त्म हो गई, अब मेरे बाद नबूवत ना होगी मगर बशारतें होंगी। सहाबा ने पूछा बशारतें क्या हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ख्वाब जो आदमी खुद देखे या उसके लिए देखा जाए। अहदीस के मुताबिक ख्वाब के 3 अकसाम होते हैं। बाज़ ख्वाब शैतान की तरफ से मोमिन बंदे को परेशान करने के लिए होते हैं, दूसरा वो ख्वाब जो बेमाने होते हैं और इंसानी जहन के हिजान का नतीजा होता है, और तीसरा ख्वाब फरिश्ते की तरफ से होता है जिसमें कोई पैगाम या आइंदा होने वाले वाक़यात की बशारतें मौजूद होती हैं। एक मकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है, लिहाजा खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा सच्चे और पाकीज़ा ख्वाबों की शक्ल में हुई थी। आप ख्वाब में जो कुछ भी देखते वो सच्चा साबित हो जाता। ख्वाब की ताबीर भी अहद नबवी में नहायत ही अहमियत रखता था, लिहाजा रिवायतों के मुताबिक फजर की नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमन अपने सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ जाया करते थे और पूछा करते थे कि क्या आज रात किसी ने कोई ख्वाब देखा है, अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो उसे बयान कर देता और फिर आप उसकी ताबीर बयान करते थे। माहरीन नफ्सियात के मुताबिक ख्वाब की सबसे पुर इसरार किस्म ल्यूसिड ड्रीम है। लफ्ज़ ल्यूसिड ड्रीम का इस्तेमाल सबसे पहले एक साइकाइट्रिस्ट फ्रेडरिक वान ने 1913 में लिखी अपनी किताब अ स्टडी ऑफ ड्रीम में किया था। ल्यूसिड ड्रीम के दौरान ख्वाब देखने वाले शख्स को ये पता होता है कि वो ख्वाब देख रहा है, लिहाजा वो शख्स इस ख्वाब में जो चाहे करता है और जहाँ मर्जी वहाँ जाता है। ये नींद का सबसे गहरा यानी 4th स्टेज होता है जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं। ल्यूसिड ड्रीम में एक शख्स को अपने ख्वाब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो सकता है, लेकिन ये अमल ट्रेनिंग और प्रैक्टिस का नतीजा होता है और हर शख्स के लिए ल्यूसिड ड्रीम को कंट्रोल करना मुमकिन नहीं है। इसी ल्यूसिड ड्रीम के मुताल्लिक एक सहाबी रसूल का मशहूर वाक़या है जिनका नाम हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। हज़रत अबू अमामा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बाहला कबीले की तरफ दीन की दावत देने के लिए भेजा जो उनका अपना कबीला था। जब हज़रत अबू अमामा बाहला पहुँचे तो लंबे सफ़र की वजह से आपको शदीद भूख लगी थी। इत्तफाकन बाहला के लोग उस वक्त खाना खा रहे थे। जब उन्होंने अबू अमामा को देखा तो खुश आमदीद कहा, फिर उन्होंने उनसे कहा कि हमें पता चला है कि तुम मोहम्मद के दीन की तरफ माइल होकर बेदीन हो रहे हो। इस पर हज़रत अबू अमामा ने उन्हें दीन की बातें बताईं और इस्लाम की दावत दी। इस पर वो लोग बेजार हो गए और उन्होंने अबू अमामा को वहाँ से चले जाने को कहा। आपने उनके इस रवैये पर अफसोस का इजहार किया और उनसे थोड़ा पानी मांगा क्योंकि उन्हें शदीद प्यास लगी थी, लिहाजा उन्होंने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया और कहा कि जाओ तुम प्यासे ही मर जाओ। हज़रत अबू अमामा वहाँ से दूर चले गए, भूख और प्यास से उनका बुरा हाल हो रहा था, लिहाजा वो एक मकाम पर बैठ गए और ज़मीन पर ही टेक लगाकर सो गए। इस नींद के अंदर उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें उन्हें दूध जैसी कोई चीज़ पीने को दी गई। हज़रत अबू अमामा कहते हैं कि लोगों ने इससे ज़्यादा लजीज कोई चीज़ भी ना पी होगी और मैंने वो सारी पी ली यहाँ तक कि मेरा पेट भर गया। इधर जब बाहला के लोगों का गुस्सा ठंडा हुआ और उन्हें अबू अमामा पर रहम आया तो उन्होंने एक आदमी के हाथों खाने पीने का सामान अबू अमामा के लिए भेजा।
लेकिन जब आप नींद से बेदार हुए तो आपका पेट पहले ही एक बेहतरीन ख्वाब के जरिया भर चुका था। लिहाजा उन्होंने उस शख्स को मना कर दिया और कहा कि अल्लाह ने मुझे खिला दिया है। बल्कि हजरत अबू उमामा ने उस शख्स को अपना पेट भी दिखाया कि मैं इतना खा चुका हूँ कि ये शिकम शेर होकर भर चुका है। बाहिला के लोगों पर इस वाक़े का ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अबू उमामा के दावत को कबूल कर लिया और वो सब मुसलमान हो गए। ये ऐसा ख्वाब था जिसमें हजरत अबू उमामा को उस सफ़ेद दूध का जायका भी महसूस हुआ और ख्वाब में खाई गई गजा बाकायदा उनके पेट में पहुंच गई थी। ये वो ख्वाब था जिसकी कोई तशरीह इंसानी जहन से नहीं की जा सकती। कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जो न सिर्फ एक शख्स बल्कि पूरी इंसानी समाज पर असर अंदाज होते हैं और जिसकी वजह से हमारी इस दुनिया में एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। मसलन मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ख्वाब के जरिए ही पता चली थी। निकोला टेस्ला ने अपनी कई दरियाफ्त के बारे में ये लिखा है कि उन्हें ये ख्वाब में बताया गया था। मशहूर मैथमेटिशियन रामानुजन के मुताबिक उसने कई फार्मूले ख्वाब में देखे और दुनिया के सामने पेश किए। इसी तरह 1913 में नील बोहर को ख्वाब के जरिए एटम का स्ट्रक्चर पता चला था। ऐसे साइंसदानों, मुहक्किकीन और मुसन्निफों की हज़ारों कहानियां हैं जिन्होंने ख्वाब में ऐसा कुछ देखा जिससे इंसानियत की तारीख ही बदल गई। रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अम्मारा बिन खुज़ैमा के वालिद ने एक दफ़ा एक ख्वाब देखा कि वो नबी के पेशानी के साथ अपनी पेशानी टिकाए हुए हैं। जब अम्मारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह ख्वाब आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रूह रूह से मुलाकात करती है और मोमिनों की रूहें एक दिन और एक रात का फासला तय करके एक दूसरे से मिल लेती हैं, जबकि उन्होंने एक दूसरे को देखा भी हो। ख्वाबों की दुनिया कोई अफसानवी दुनिया नहीं है बल्कि एक हकीकी दुनिया है। ऐसी दुनिया जिसे आज भी मुकम्मल तौर पर हम नहीं समझ पाए हैं, जहां रूहानियत और साइंस में कोई फ़र्क नहीं होता। तो क्या ख्वाब के दौरान हमारी रूहें वक्त और जिस्म के कैद से आज़ाद होकर आसमानों और ज़मीनों और मुख्तलिफ डायमेंशंस में घूमती फिरती हैं? क्या ये सब एक ऐसे जहां में हो रहा है जो वक्त और ज़माने की कैद से आज़ाद है और जहां माजी, हाल और मुस्तकबिल सब एक साथ चल रहे होते हैं?